सीधे आपको लेकर चलते हैं ब्रज, जहां पर आज पहुंचे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, संबोधित कर रहे हैं। उन भावों की ताकत को आप एहसास करिए, देखते ही देखते 500 वर्षों की समस्या का समाधान एक झटके में हो गया। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया। यह है भक्ति की ताकत, यह है भक्ति की ताकत। और 2 वर्ष पहले मुझे सौभाग्य मिला था इसी स्थान पर आने का, और रंगोत्सव के कार्यक्रम को हम लोगों ने कहा कि अयोध्या में दीपोत्सव तो बरसाना में रंगोत्सव, काशी में देव दीपावली, क्योंकि देवाधिदेव महादेव हैं वहां देव दीपावली होगी, प्रयाग में कुंभ, शक्तिपीठों में सभी प्रकार के हमारे शक्ति से जुड़े हुए अनुष्ठान, दोनों बासंतिक नवरात्र और शारदीय नवरात्र के कार्यक्रम पूरी भव्यता के साथ, और गंगा और यमुना मैया की आरती के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाना। भाइयों बहनों, आप देखते होंगे गंगा की अब निर्मलता में हमने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की। इस बार आप देख रहे होंगे बरसाना में भी, इस नहर में भी पानी आ गया है, और प्रयास होना चाहिए कि आगामी 2 वर्ष के दौरान यमुना जी की निर्मलता भी गंगा जी की तरह ही हो जाए, और इसके लिए सबको प्रयास करना चाहिए। यह हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, यह हमारी पहचान है, यह केवल नदी नहीं है, इनके साथ हमने मां का संबंध जोड़ा है। एक आत्मीय भाव हमने जोड़ा है, जिस भाव ने हम सबको जीने की प्रेरणा दी है, आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है, विपरीत परिस्थितियों में जूझने की प्रेरणा दी है, और इसलिए इन सभी समृद्ध परंपरा के प्रति हम सबको गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। मैं आज यहां पर पूज्य संतों के सानिध्य में अपने दोनों सहयोगी मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के इसीलिए आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। भाइयों बहनों, विकास के किसी कार्य में किसी प्रकार की कोई बाधा आड़े नहीं आएगी। याद करना, एक जो बड़ा कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है, और वह कार्यक्रम है कि हम सब शुद्ध पेयजल की आपूर्ति इन सब क्षेत्रों में कर सकें, लेकिन जल संचयन का भी बड़ा कार्यक्रम होना है। ये खारा पानी जो ब्रज क्षेत्र का दिखता है, अगर हम व्यवस्थित तरीके से कार्य योजना बना लें तो ये पानी खारापन दूर हो जाएगा, सब पानी मीठा हो जाएगा, सारा पानी यहां का मीठा हो जाएगा, और उसको मीठे बनाने की प्रक्रिया के साथ हम लोग कार्य कर रहे हैं। जल संचयन के लिए अधिक से अधिक तालाब का पुनरुद्धार करना, उनको बनाने की प्रक्रिया के साथ जोड़ना, यमुना जी की निर्मलता के बाद ये जितने भी तालाब हैं इन तालाबों को मीठे जल के साथ जोड़ने की कार्रवाई को आगे बढ़ाना एक बहुत बड़ा कार्य है। और मैं आह्वान करूंगा, क्या जब हम बरसाना में हैं तो हम सबको इस संकल्प के साथ आगे बढ़ना है कि यमुना जी की निर्मलता के लिए भी हमें कार्य करना है, और साथ ही साथ यहां के खारा पानी की समस्या का समाधान भी हमें स्वयं मिलकर के आगे बढ़ाना है। पानी का खारापन दूर होगा तो भाइयों बहनों अच्छी फसल उगेगी यहां पर। ये तो आप देख रहे होंगे कितना बड़ा कार्य हुआ है। अभी हम लोगों ने गोवर्धन जी की परिक्रमा के लिए 177 करोड़ रुपए की एक परियोजना को अपनी स्वीकृति दी है। ब्रज क्षेत्र तीर्थ विकास के लिए भी बड़ी कार्य योजना को लेकर के हम कार्य कर रहे हैं। आपदा को रोकने के लिए 18-19 में यहां के किसानों की फसल नष्ट हो गई थी, 123 करोड़ रुपए की आपदा राहत निधि यहां के किसानों में वितरण करने का कार्य हुआ, और विगत वर्ष भी इस वर्ष भी
फसल को जो नुकसान हुआ था उसके लिए भी हम लोग 57 करोड़ रुपए अब तक भेज चुके हैं कि भाई जो भी किसान को नुकसान हुआ है ये हमारा अन्नदाता है, उसकी भरपाई सरकार करेगी, सरकार उसमें सहयोग करेगी। भाइयों बहनों, कहीं भी कहीं कोई समस्या नहीं आने वाली है। जो बात श्रीकांत जी ने कही, जो बात चौधरी लक्ष्मी नारायण जी ने कही, हम सब उसके साथ जुड़े हैं। मैं धन्यवाद दूंगा ब्रज क्षेत्र के सभी श्रद्धालुजनों को, सभी पूज्य संतों को, जिन्होंने गो रक्षा का भी बहुत अच्छा काम किया है। अभी हम जा रहे हैं रमेश बाबा की गौशाला में, 50,000 से अधिक गोवंश है वहां पर। गो मात की सेवा कैसे होनी चाहिए, यही तो है। गो माता की सेवा करने से ही हमारे बांके बिहारी गोपाल कहलाए, तो हम सबको तो इस भाव के साथ और भी जुड़ना चाहिए। हमारी ये गो माता न कसाई खाने जाएगी, न सड़कों पर लाठी खाएगी। हम इसके लिए अच्छे आश्रय स्थल बनाएंगे, इनकी सेवा करेंगे, इनकी देखभाल करेंगे, और फिर दूध और घी की नदियां बहाने का कार्य भारत की धरती से करेंगे। दुनिया के अंदर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए 11 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे। आज दुनिया के अंदर भारत के दूध की और दूध से बने हुए उत्पाद की मांग क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि हमारे देश में अभी भी गोवंश में खुरपका और मुंहपका बीमारी है, और इस बीमारी को हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए ही 11 सितंबर 2019 को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी इसी धरती पर आए थे, और इसी जनपद से उन्होंने पूरे देश के अंदर खुरपका और मुंहपका की बीमारी को समाप्त करने के लिए बड़े अभियान को अपने हाथों में लिया। हम सब भी इसमें सहभागी बने, हर जनपद को हम दवा भेज रहे हैं, वैक्सीन भेज रहे हैं, हर गोवंश को एयर टैग करना है, एक टैग लग जाएगा और उसके अनुसार फिर हम चिन्हित करेंगे कौन सा ऐसा गोवंश है जिसको हम लोगों ने दवा नहीं दे पाए। एक बड़ा कार्यक्रम है, हमारी सरकार ने भी तय किया है, निराश्रित गोवंश के लिए गो आश्रय स्थल हम बनाएंगे। अगर किसान अपने घर में निराश्रित गोवंश की देखभाल करेगा तो उस किसान को हर गोवंश के लिए हर महीने 900 रुपए सरकार अपनी तरफ से देने का कार्य करेगी, यानी एक एक करके जोड़ने का कार्य। क्योंकि हमारा संकल्प है कि जिस गो माता की सेवा हमारे बांके बिहारी ने की है, और जिस गो माता के कारण कृष्ण, केवल कृष्ण नहीं राधा कृष्ण बन पाए हैं, उस गौ माता को न कसाई खाने जाने देंगे, न सड़क पे लाठी खाने देंगे। उस गौ माता की रक्षा भी करेंगे, उसका संरक्षण भी करेंगे, उसका संवर्धन भी करेंगे, और इस प्रक्रिया के साथ हम सब जुड़ेंगे। इस भाव के साथ मैं आप सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। कितना अच्छा यहां पर प्रस्तुति, अभी यहां पर ब्रज क्षेत्र की भी और बुंदेलखंड की भी होली का किया गया। अभी प्रधानमंत्री जी आए थे चित्रकूट में, लगभग 500 मीटर वे पैदल चले थे, क्योंकि एक कलाकार वहां पर थे और कलाकारों के द्वारा वहां पर ब्रज क्षेत्र का मयूर नृत्य था, देख रहे थे उस समय। और यही नहीं अभी अमेरिका के राष्ट्रपति आए थे आगरा में, और आगरा में आकर के जब मयूर नृत्य को उन्होंने देखा तो लगभग 10 मिनट तक उसको निहारते रह गए। ये है हमारी कला, ये है हमारी संस्कृति। दुनिया के सामने जब ये प्रस्तुत होती है तो पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर देती है। यही भारत की ताकत है, ये राधे रानी की ताकत है, ये बांके बिहारी की ताकत है, और इस ताकत को संभाल के रखिए। आप चिंता मत करिए, जो बात यहां पर चौधरी साहब ने कही है उसका भी समाधान होगा। आज रंगोत्सव का कार्यक्रम है, मैं आपके रंग में भंग नहीं डालना चाहता, रंग में खूब रंगोत्सव का कार्यक्रम करिए, खूब खेलिए होली। होली के बाद यहां के कार्यक्रमों के उद्घाटन शिलान्यास के लिए भी आ रहे हैं,
बड़े कार्य योजना के साथ हम लोग मथुरा, वृंदावन और इस क्षेत्र में आ रहे हैं। तो मथुरा में मौजूद हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और आज लड्डूमार होली में शामिल होने के लिए वहां पहुंचे। अभी गौशाले भी जाएंगे और वहां पर भी कुछ वक्त बिताएंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।